Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. Party se taraf se pura समर्थन देता हूं और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए इतने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहां वहां जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है, और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर हमारे सभी उपस्थित नेता कर है, नड्डा जी है, राजनाथ सिंह जी है, अमित भाई है, हमारे आदरणीय अजीत दादा जी है, वहां अभी सभी महानुभव है, एक्स सीएम है, वहां हमारे चंद्रा बाबू जी है, नीतीश कुमार जी है और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपस्थित फिर से सांसद बने हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे अब जो गठबंधन हुआ है, यह गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, यह बिल्कुल टूटेगा नहीं। और लोकसभा के चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।